पत्रकार साथियों जय हिंद। तुहानू सारयां नूं पता है कि पिछले दिन ही पत्रकार विनय कोचर के संबंध के पत्रकार भाईचारा पहलों तो आई जी साहब आई जी बार्डर रेंज के दफ्तर एक इंक्वायरी वास्ते गए सी ते आई जी साहब ने उन्हें मार्क करके भेजा बटाले बटाले तो उन्हें गुरदासपुर भेजता गया ते गुरदासपुर तो बाद पठानकोट वो इंक्वायरी भेजा ते उस तो बाद पता नहीं सी लग रहा। फिर शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसीएशन वालों मैं कुछ पत्रकार साथियों के नाल मिल के आई जी साहब के दफ्तर गया सी ते उन्होंने एक मंग पत्र सौंपया सी ते आई जी साहब ने सानू विश्वास दवाया सी भी असी 10 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करके ते तुहानू इहदी रिपोर्ट देंगे। बड़ी मंदभागी गल है कि पिछले दिन ही एक 25 दिन बाद असी जदों इहनू कंप्लीट होए तो फिर असी अज आई जी साहब के दफ्तर होके आए हाँ। मैं गया सी ते उत्थे आई जी साहब ने जो गल हुई कि तुसीं 10 दिन का समा लिया सी ते की बनिया जी साडी इंक्वायरी दा, आई जी साहब ने कहा जी मेरे को फाइल आ गई है इंक्वायरी कंप्लीट होके ते मैं अजे पढ़ी नहीं गी ते मैं उन्होंने कहा भी आई जी साहब जदों सानू सुनिया ही नहीं गया सानू साडा पक्ष जाणिया नहीं गया ते इंक्वायरी किस तरह कंप्लीट होगी ते वह कहिंदे मैनू नहीं पता मैं अजे फाइल नहीं पढ़ी। जबकि जो इन्होंने 10 दिन का टाइम लिया सी मैं खुद एस पी पठानकोट नूं बार बार फोन किए भी सर अं कदों आईए तो उन्होंने एको जवाब हुंदा सी भी मेरे को अजे फाइल नहीं आई। हुण चुप चुपीते इंक्वायरी भी कंप्लीट होगी तो फाइल भी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो आई जी साहब के दफ्तर पहुंच गई है तो हुण विचारन वाली गल है कि असी इहोजी इंक्वायरी दे विचों जिहदे विच भी सानू सुनिया ही नहीं गया तो हो सकता है असी मान लैने भी उहदे विच भी साडे सुनने की लोड़ ना समझी होवे ते पुलिस ने विनय कोचर नूं फर्ग करता होवे इस केस दे विचों पर तरीका जिहड़ा कानूनी तरीका मैं सवाल चुक रहा कानूनी तरीके दे उत्ते भी कदी भी इंक्वायरी कंप्लेनेंट का जिहड़ा पक्ष जां जिहड़ा जिन्हें इंक्वायरी लगवाई है उहदा पक्ष सुने बिना ही वह इंक्वायरी किस तरह कंप्लीट कर ली जाती है ते इह पुलिस दीआं इंक्वायरियां दे उत्ते सवाल जिहड़ा उह खड़ा करदा है। चलो जो भी सी हुण मैं शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसीएशन दे पूरे पंजाब दे जिन्ने भी जिले दे प्रधान ने जां जो भी साडे साथी शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसीएशन नाल जुड़े आ ते उन्हां सारयां तों सुझावां दी मंग करदा कि हुण सानू की करना चाहीदा किहो जी रणनीति दे नाल काम करना चाहीदा ते बाकी जो भी साडे साथी शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसीएशन नाल जुड़े आ ते उन्हां सारयां तों सुझावां दी मंग करदा कि हुण सानू की करना चाहीदा किहो जी रणनीति दे नाल काम करना चाहीदा ते बाकी तुसीं समझी चुके हो भी सानू इस इंक्वायरी तों की उम्मीदां हो सकदियां ने ते वैसे असीं अपने वल्लों कल सवेरे RTI राहीं इस दी रिपोर्ट जिहड़ी आ उह असीं मंगांगे ते इस तों इलावा जो भी तुहाडे सुझा ने उह तुसीं सानू दिओ। इस तों इलावा जरूरी नहीं है भी शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसीएशन दे ही सारे सानू सुझा दे सकदे ने पूरे पंजाब दे जिन्ने भी पत्रकार साथी ने तुसीं सानू सुझा दिओ भी इह जिहो जी इंक्वायरियां जिहो जी तशद्दद पत्रकारां ते हो रही है ते इहदे लई सानू हुण की एक आर पार दी लड़ाई नहीं लड़नी चाहीदी कि सानू अपनियां हौंद बचा के रखण लई संघर्ष नहीं करना चाहीदा ते जेकर उह करना चाहीदा ते उहदी रूपरेखा की होणी चाहीदी है ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9569121111। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ 9569121111 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।